जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में आगरा की पावन माटी का सपूत कौशल कुमार रावत शहीद हो गया। कैरई के रहने वाले सपूत का पार्थिव शरीर गांव में पहुंचा तो परिवार में कोहराम मच गया। समूचा आगरा परिवार को सांत्वना देने पहुंचा। शुक्रवार को शहीद कौशल कुमार के पार्थिव शरीर की शव यात्रा में जनसैलाब उमड़ पड़ा। आगरा के लाल कौशल कुमार के शहीद हो जाने से आगरा गम में डूबता दिखाई दिया। आगरा के लाल कौशल कुमार के शहीद हो जाने से आगरा गम में डूबता दिखाई दिया। पुलिस प्रशासन और आर्मी सेना के अधिकारियों की मौजूदगी में शहीद कौशल कुमार को सरकारी सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। समूचे आगरा के जन मानस ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। शहीद कौशल कुमार को श्रद्धांजलि देने पहुंचे कैबिनेट मंत्री एसपी सिंह बघेल ने पाकिस्तान की निंदा करते हुए परिवार को हर संभव मदद करने की बात कही। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कैबिनेट करके निर्णय लिया है कि उनके सूबे में जब भी कोई ऐसी शहादत की घटना होगी तो शहीद के पेरेंट्स को अलग से 5 लाख रुपये और उनकी विधवा को 20 लाख रुपये, गाँव के रहने वाले तो उस गाँव का विकास उनके नाम से एक मार्ग और शहर के रहने वाले तो सुनने का विकास। उसके साथ एक बड़ा निर्णय ये हुआ है मृतक आश्रित में कोई अगर नौकरी करना चाहेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार एक सरकारी नौकरी की देने का काम, अगर वो नहीं माने और उन्हीं में जो जाए तो उसके पहले अटल जी ने पहुंचे संबंध बनाने के लिए एक बस के द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों के, मैं तब सांसद हुआ करता था, एमपीज को लेकर के, कलाकारों को लेकर, फिल्म स्टार को लेकर और स्पोर्ट्समैन को लेकर के पाकिस्तान लाहौर गए थे। इसके बावजूद भी घटनाएं हो रही हैं तो ये पाकिस्तान को सजा नहीं मिलेगी। बस दो लाइन डॉक्टर श्याम सिंह से याद आ रही है, भारत की विदेश नीति और पाकिस्तान का रवैया कि हमने स्नेह भरे दो हाथ बढ़ाए, उन्होंने पहले चूमा फिर चाटा फिर काटा, तुमसे तो अच्छे होते हैं कुत्ते, अगर चाटते हैं तो फिर कभी काटते हैं। अंतिम संस्कार में श्रद्धांजलि देने आए नेताओं ने इतनी बड़ी क्षति को दुर्भाग्य करार देते हुए आतंकियों पर लगाम लगाने की पुरजोर पैरवी की। कायराना हरकत है, पाकिस्तान पूरे भारत के अंदर एक तरह से अराजकता फैलाना चाहता है, ये पाकिस्तान का ही काम है और हम तो अपने हुक्मरानों से यही कहेंगे, अपनी सेना से यही कहेंगे कि इनको एक बार सबक सिखा दो। लाहौर तो हमला करो, ऊपर इन्होंने बहुत बुरा किया है, बिल्कुल कश्मीर को और जम्मू कश्मीर को पता नहीं इन्होंने कैसा बना रखा है, इनको सबक सिखाने का टाइम है। पूरी चाहे वो कोई भी पार्टी हो, देश का हर नागरिक ये चाहता है कि पिद्दी और पिद्दी के सुरवा को अब की बार सबक सिखा देना चाहिए। आज जो समय आ गया है वो समय ऐसा आ गया आर पार का, हम लोगों को अगर जो एक सर्विसमैन है कल तमाम शहीद स्मारक पर इकट्ठे हुए, तमाम दल और तमाम संगठन राजनीतिक दल और तमाम जो है ऐसे लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने खुद कहा कि हम फिर द्वारा जाने के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। इसलिए देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तो कहना चाहूंगा आप निर्णय लेने की जरूरत है, हम लोगों को अगर सरकार को सरकार के माध्यम से आज जो हमारे जवान हैं जो बॉर्डर पर बैठे हैं उनको खुली छूट दे देनी चाहिए, नाम और निशान एक घंटे के अंदर जो आप पाकिस्तान का मिटा देंगे, इतने हमारे पास जो आप फौज है, इतना जो मसाला है हमारे पास, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है, और कहीं कमी पड़ रही हो तो हम लोग बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार हैं, भारत सरकार अनुमति दे दो। आतंकी हमले में 43 सीआरपीएफ के जवानों के शहीद होने की जानकारी मिली है। वहीं पूरे देश की जनता शहीदों के बदले के रूप में पाकिस्तान के आतंकवादियों को सर्जिकल स्ट्राइक रूपी करार जवाब देने की मांग कर रही है। 7 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।